नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 सितंबर, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से स्कूलों में पोषण माह का आयोजन होगा शुरू। महीने के शुरुआत के साथ ही इन चीजों में होंगे बदलाव। जाने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत कैसे दर्ज करे शिकायत। पटना के गांधी मैदान में लगा डिज्नीलैंड, जलपरी कार्निवाल बना मुख्य आकर्षण का केंद्र। भारतीय टीम के लिए चयनित हुए समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी जोंटी रोड्स रविंद्र जडेजा के हुए मुरीद। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। HLL लाइफ केयर लिमिटेड ने 1000 से भी अधिक पदों के लिए निकाली भर्ती। HLL लाइफ केयर लिमिटेड की तरफ से असिस्टेंट डायलिसिस, जूनियर डायलिसिस टेक्नीशियन सहित कई पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 1121 पदों के लिए है। इच्छुक उम्मीदवार इसके ईमेल आईडी hrhincare@lifecarehll.com के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इस ईमेल पर आपको अपने आवेदन फॉर्म भेजने होंगे। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने बीएससी या एमएससी की डिग्री हासिल की हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 37 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन वॉक इन इंटरव्यू के जरिए होगा। चयनित उम्मीदवारों का वेतन 24,000 रुपये से लेकर 53,000 रुपये पद के मुताबिक दिया जाएगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। महीने की शुरुआत के साथ इन चीजों में होंगे बदलाव। हर बार नए महीने के साथ ही कई ऐसी चीजों में बदलाव होते हैं। ऐसे में आज से सितंबर का महीना शुरू हो चुका है। आज से टेलीकॉम संबंधी नियमों में 1 सितंबर से बदलाव किए जाएंगे ताकि साइबर क्रिमिनल के गतिविधियों पर नकेल कसा जा सके। 1 सितंबर से स्कूटी हो या बाइक, इस पर पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार सितंबर की शुरुआत में ही महंगाई भत्ता यानी डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। हर महीने पेट्रोलियम कंपनियां एलपीजी गैस के नए कीमतों का ऐलान करती हैं। HDFC बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर कहा है कि वो यूटिलिटी ट्रांजैक्शन पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट की लिमिट को तय करेगा। ध्यान रखें, निःशुल्क आधार कार्ड अपडेट करने की आखिरी तारीख 14 सितंबर है। जाने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत कैसे दर्ज करें शिकायत। 5 जून 2016 को पूरे बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू किया गया था ताकि सर्वसाधारण के शिकायतों का अधिकतम 60 दिनों के अंदर निपटारा किया जा सके। साथ ही राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी योजना, कार्यक्रम और सेवा के संबंध में कोई लाभ प्राप्त करने के लिए या ऐसे लाभ प्राप्त होने में हो रही देरी या विफलता के लिए इस अधिकार के तहत शिकायतें दर्ज करवाई जा सकती हैं। इसके अलावा कोई भी नागरिक या लोगों द्वारा शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। परिवाद दायर करवाने के लिए इस दौरान लोगों से किसी तरह के शुल्क नहीं लिए जाते हैं। परिवाद दायर करवाने के लिए आप अनुमंडल, जिला एवं राज्य मुख्यालय में अवस्थित लोक शिकायत प्राप्ति काउंटर पर जाकर या ऑनलाइन वेब पोर्टल lokshikayat.bih.gov.in पर जा सकते हैं। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए 1800-3456-284 पर कॉल कर सकते हैं। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे शेखपुरा के बारे में। ये बिहार का एक ऐसा जिला है जिसका जुड़ाव महाभारत काल से देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ कई ऐसे स्थल हैं जो धार्मिक पर्यटन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। शेखपुरा के पर्यटन स्थलों में सबसे ज़्यादा धार्मिक पर्यटन स्थल ही आपको देखने को मिलेंगे। इसमें गिरिहिंडा पहाड़, समस और घाटी मंदिर, तेहरापुर मंदिर और याहीपुर में शेख सियोब का दरगाह शामिल है। यदि आप कभी शेखपुरा जाने की प्लानिंग बनाते हैं तो इन जगहों पर भ्रमण के लिए जा सकते हैं। प्रदेश के सभी केंद्रीय विद्यालयों को अब ऑनलाइन जोड़ने की है तैयारी। केंद्रीय विद्यालय संगठन राज्य के सभी केंद्रीय विद्यालयों को ऑनलाइन जोड़ने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत यदि किसी विद्यालयों में किसी विषय की कक्षा चलती है तो इससे दूसरे केंद्रीय विद्यालय भी जुड़ पाएंगे। प्रदेश में कुल 52 केंद्रीय विद्यालय हैं। ऐसे में एक साथ 10 से 15 केंद्रीय स्कूल इसका फायदा उठा सकेंगे। इससे ये फायदा होगा कि जिस भी स्कूल में शिक्षकों की कमी है वहाँ इस ऑनलाइन व्यवस्था से शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सकेगा। ऐसे में यदि किसी स्कूल में किसी सब्जेक्ट के टीचर नहीं होते हैं तो वैसे स्कूलों में उन विषयों की पढ़ाई ऑनलाइन होगी। केंद्रीय विद्यालयों में सितंबर के दूसरे सप्ताह से यह व्यवस्था शुरू की जा सकती है। रेलवे प्लेटफॉर्म या पटरी पर सेल्फी लेना पड़ सकता है भारी। स्मार्टफोन और सेल्फी के क्रेज आजकल काफी बढ़ गए हैं। ऐसे में लोग रेलवे प्लेटफॉर्म और पटरी पर सेल्फी लेते दिखाई देते हैं। इस दौरान वे लापरवाही भी बरतते हैं जो बेहद खतरनाक हो सकता है। इसे देखते हुए भारतीय रेलवे ने
करे नियम बनाए हैं। भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक रेलवे पटरी या प्लेटफॉर्म पर सेल्फी खींचने पर 1,000 रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल हो सकती है। रेल अधिनियम 1989 की धारा 145 और 147 के तहत ये दंडित अपराध माना जाता है। रेलवे मंत्रालय और भारतीय रेलवे लगातार यात्रियों से अपील करते हैं कि वे ऐसी हरकतों से बचें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिए विज्ञापन भी जारी किए जाते हैं। आज से स्कूलों में पोषण माह का आयोजन होगा शुरू। आज से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पोषण महीने का आयोजन शुरू होने वाला है। ये आयोजन 30 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान स्कूलों में कई तरह की गतिविधियां करवाई जाएंगी। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक मिथिलेश मिश्र ने निर्देश जारी किए हैं। पत्र के जरिए सभी जिलों को कहा गया है कि देश को कुपोषण मुक्त बनाना है, इसलिए ये महीना इस पहल के लिए इस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण है। 8 विषयों पर इस साल गतिविधियां करवाई जाएंगी। इसके अलावा पोषण रैली और प्रभात फेरी लोगों के जागरूकता के लिए निकाली जाएंगी। प्रार्थना के समय बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आहार की विविधता के बारे में बताया जाएगा। उन्हें एनीमिया के बारे में बताया जाएगा। पढ़ाई के साथ ही शारीरिक गतिविधियां और स्कूल में खेलकूद के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। पटना में डीजल बसों पर लगी रोक फिलहाल टली। राजधानी पटना समेत दानापुर, खगौल और फुलवारी शरीफ में डीजल से चलने वाले स्कूल बसों के परिचालन पर 1 सितंबर से रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब डीजल से चलने वाले स्कूल बसों के परिचालन पर लगी रोक को 10 सितंबर तक स्थगित कर दिया गया है, जिससे स्कूल संचालकों को काफ़ी राहत मिली है। डीजल से चलने वाली बसों पर रोक लगाने का फैसला बिहार सरकार का था, जिसके बाद स्कूल संगठनों का काफ़ी विरोध देखने को मिला। इस विरोध को बढ़ता देख परिवहन विभाग ने इसे फिलहाल के लिए टाल दिया है। इसकी जानकारी परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने दी है। उन्होंने बताया कि कई स्कूल संगठनों से प्राप्त आवेदन पर विचार करते हुए 10 सितंबर तक डीजल बसों पर रोक की कार्रवाई को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। भारतीय टीम के लिए चयनित हुए समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी। बिहार के समस्तीपुर जिले के निवासी वैभव सूर्यवंशी का चयन भारतीय टीम में होने के बाद उनके घर में जश्न का माहौल है। मात्र 13 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने यह सफलता अपने नाम की है। आपको बता दें कि वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम में ओपनर के तौर पर चुने गए हैं। वैभव सूर्यवंशी अपनी बैटिंग का जलवा ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम के खिलाफ होने वाले 4 दिवसीय टेस्ट श्रृंखला में दिखाएंगे। वे क्रिकेटर राहुल द्रविड़ के बेटे समित द्रविड़ के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। उन्होंने 6 साल की उम्र में खेलना शुरू किया था और मात्र 7 साल की उम्र में क्रिकेट एकेडमी में शामिल हो गए थे, जहां उन्हें पूर्व रणजी क्रिकेटर मनीष ओझा ने ट्रेनिंग दी थी। बता दें कि वैभव वनडे क्रिकेट में 13 शतक जमाने वाले पहले भारतीय हैं। आदेश के बाद भी सड़क दुर्घटना के पीड़ित और मृतक के आश्रितों को नहीं मिल रहा मुआवजा। बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने बीमा कंपनियों को दुर्घटना के पीड़ितों और मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने के आदेश दिए थे। इस आदेश के बाद भी कई बीमा कंपनियां इन्हें भुगतान नहीं कर रही हैं। इस मुआवजे के भुगतान के लिए कई पीड़ितों को बीमा कंपनी के ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक करीब 3.96 करोड़ की राशि के 80 मुआवजे के दावे 16 बीमा कंपनियों में पेंडिंग में पड़े हुए हैं। इस मामले को लेकर बिहार के परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने समीक्षा की है। समीक्षा के दौरान उन्होंने बताया है कि 72.5 लाख रुपए की राशि के 16 मुआवजे के दावे टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास लंबित है, जो सबसे बड़े डिफॉल्टरों में से एक है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास 53.5 लाख रुपए की राशि के 12 मामले लंबित है। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के पास 57.5 लाख रुपए की राशि के 10 मुआवजे के दावे लंबित हैं। पटना के गांधी मैदान में लगा डिज्नीलैंड जलपरी कार्निवाल बना मुख्य आकर्षण का केंद्र। पटना के गांधी मैदान में डिज्नीलैंड शुरू हुआ है, जहां एक बार फिर से जलपरी कार्निवाल देखने को मिल रहा है। जलपरी कार्निवाल को देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। ये लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ झूले, खेलकूद से लेकर कई तरह के व्यंजन देखने को मिल रहे हैं। जलपरी फिश टनल, वाटर बोटिंग, रोलर टावर, रोलर कोस्टर, दुबई सिटी थीम आदि का लोग मनोरंजन उठा रहे हैं। आपको बता दें कि जलपरी फिश टनल में इंडोनेशिया से आई लड़कियां हैं, जो अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाकर लोगों का मनोरंजन करवा रही हैं। ये बच्चों के लिए काफ़ी कौतूहल का विषय बना हुआ है। व्हाट्सएप के इस फीचर से अब मेटा AI से बातचीत करना होगा और भी आसान। व्हाट्सएप लगातार नए फीचर्स जोड़ रहा है और अब एक नया
वॉइस चैट मोड फीचर पेश करने की तैयारी कर रहा है। इस फीचर से मेटा एआई से बातचीत करना और भी आसान हो जाएगा। डब्ल्यू ए बीटा इन्फो के मुताबिक ये फीचर व्हाट्सएप के बीटा एंड्रॉयड 2.24.18.18 में परीक्षण के लिए उपलब्ध है। इसमें यूजर्स वॉइस कमांड के माध्यम से मेटा एआई से रियल टाइम में बात कर सकेंगे। ये मोड हैंड फ्री बातचीत को सरल बनाएगा और टाइपिंग की जरूरत को कम करेगा। चैट छोड़ते ही वॉइस मोड अपने आप ही बंद हो जाएगा और एंड्रॉयड ओएस के विजुअल इंडिकेटर से ये पता चल सकेगा कि एआई सुनना बंद कर चुका है या नहीं। इस फीचर के सार्वजनिक रिलीज की तारीख अभी सामने नहीं आई है। 4 वर्षों के बकाया राशि का भुगतान करने का विश्वविद्यालयों को मिला निर्देश। विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों को 4 वर्षों के बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। ये निर्देश शिक्षा विभाग की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें कि SC/ST के विद्यार्थियों और अन्य वर्गों की छात्राओं को स्नातक व स्नातकोत्तर की निःशुल्क शिक्षा के संबंधित ये राशि है। 167 करोड़ 43 लाख रुपए की स्वीकृति शिक्षा विभाग ने इसके लिए दी है। उच्च शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी हुए निर्देश के अनुसार प्रदेश में SC/ST और महिलाओं को स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा में हर स्तर पर नामांकन के लिए किसी तरह के शुल्क नहीं लिए जाने के कारण हुई आर्थिक क्षति की पूर्ति सितम्बर महीने तक कर दी जाएगी। आज है CDS की परीक्षा। एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले इन बातों का रखें ख्याल। आज संघ लोक सेवा आयोग द्वारा राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी और नौसेना अकेडमी व संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा यानी CDS की परीक्षा होने वाली है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने साथ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, एडमिट कार्ड, फोटो पहचान पत्र लेकर जरूर जाएं। इसके अलावा एग्जाम हॉल में मोबाइल फोन, डिजिटल घड़ी, ID, गैजेट, किताब, बैग आदि ले जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षा हॉल पर पहुंचने के बाद परीक्षार्थी अपनी रिपोर्ट जरूर करें। उद्यानिक क्लस्टर विकास योजना का किसान भाई उठा सकते हैं लाभ। उद्यानिक क्लस्टर विकास योजना के लिए किसान भाई आवेदन कर सकते हैं। कई किसान मिलकर न्यूनतम 25 एकड़ में उद्यानिक फसल की खेती के लिए ये आवेदन करना होता है। आवेदन के लिए इच्छुक किसानों को horticulture.bihar.gov.in पर जाना होगा। इस उद्यानिक फसलों में अमरूद, स्ट्रॉबेरी, आंवला, नींबू, बेल, गेंदा फूल, पपीता, ड्रैगन फ्रूट और लेमन ग्रास जैसे उद्यानिक फसल शामिल हैं। आवेदन करने वालों को 1 लाख रुपए प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा। साथ ही अन्य सहायक योजनाओं के तहत स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट के लिए 1 लाख प्रति एकड़ की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। योजना से संबंधित अधिक और सटीक जानकारी के लिए आप 9431818980 पर कॉल कर सकते हैं या जिला स्तर पर संबंधित सहायता निदेशक और उद्यान एवं मुख्यालय स्तर पर राजीव रंजन सहायक निदेशक से संपर्क कर सकते हैं। मानसून की सक्रियता कम होते ही सताने लगी उमस भरी गर्मी। बिहार में मानसून की सक्रियता कम होने के बाद उमस भरी गर्मी सताने लगी है। हालांकि अभी भी कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल रही है। आज प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना भी है। आज उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिण पश्चिम भागों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की बात कही गई है। नालंदा से फर्जी दरोगा हुआ गिरफ्तार। नालंदा के लहेरी थाना पुलिस ने एक फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये दरोगा खुद को दरभंगा जिले के लहेरिया सराय थाना में पदस्थापित दरोगा बताकर लहेरी थाना में रौब दिखा रहा था। इस दौरान वो लहेरी थाना के दरोगा निशा भारती पर काम करने का दबाव बना रहा था। जब पदाधिकारी को इस फर्जी दरोगा पर शक हुआ तो उन्होंने लहेरिया सराय के थाना अध्यक्ष से बातचीत की, जिससे पता चला कि नीतीश कुमार नाम का कोई भी दरोगा नहीं है। इस पर अधिकारी ने इससे पहचान पत्र मांगा और उसने मोबाइल में वर्दी पहने हुए अपनी फोटो दिखा दी। शक बढ़ने पर इसकी जानकारी थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार रजक को दी गई। जब उन्होंने जाँच पड़ताल की तो इसे फर्जी पाया गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के मामले में यूपी पुलिस ने बिहार के युवक को किया गिरफ्तार। यूपी पुलिस ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र निर्गत कराने के मामले में बिहार के दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र से एक युवक को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। इसका नाम रविकेश है। इस पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और फर्जी मृत्यु सर्टिफिकेट बनाने का आरोप है। इसने रायबरेली में वीडियो की ID से अब तक 19,184 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए हैं। इसके बाद इस पर इनाम की राशि घोषित की गई थी। अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी कर लिया है।
पटना समेत देश के 13 एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा की हुई शुरुआत। देश के 13 एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा की शुरुआत की गई है। इसमें पटना एयरपोर्ट का नाम भी शामिल है। पटना एयरपोर्ट पर आने वाले कई यात्री अब डिजी यात्री ऐप को डाउनलोड करके आ रहे हैं। वे प्रवेश द्वार पर लगे मशीन में इसे स्कैन करते हैं, फिर आसानी से उनका प्रवेश एयरपोर्ट के अंदर हो जाता है, जिससे यात्रियों को अब लंबी कतार में लगने की जरूरत नहीं पड़ती। इस सुविधा के शुरू होने से लोगों का काफी समय भी बच रहा है। उन्हें एयरपोर्ट में प्रवेश के लिए लंबे लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ रही और आसानी से उन्हें प्रवेश भी मिल जा रहा है। जनता दरबार के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हुआ हमला। जनता दरबार कार्यक्रम में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर बेगूसराय में शनिवार को हमला हो गया। दरअसल बेगूसराय में बलिया प्रखंड में गिरिराज सिंह लोगों की समस्या सुन रहे थे, तभी एक शख्स वहां पहुंचा और माइक लेकर उल्टी सीधी बातें करने लगा। इस दौरान जब वहां मौजूद बीजेपी नेताओं ने उस शख्स का विरोध किया तो उसने गिरिराज सिंह पर हाथ चलाने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उस शख्स को पकड़ लिया। कहा जा रहा है कि वो शख्स वहां का वार्ड पार्षद है, इसका नाम मोहम्मद सैफी है। इस घटना के बाद गिरिराज सिंह ने कहा है कि वे इससे डरने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह विशेष धर्म पर टिप्पणी या विवादित बयान देने के मामले में अक्सर सुर्खियों में देखे जाते हैं। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान। बीते दिन बीजेपी के जिला कार्य समिति सह अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन बिहार के बेतिया में देखने को मिला। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। कार्य समिति की बैठक के दौरान दिलीप जायसवाल ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 2025 में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा और 2/3 से ज्यादा बहुमत से सरकार बनेगी। बिहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष पैकेज दिया है, देश से पहले बिहार विकसित करेगा। आज जदयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे मंत्री श्याम रजक। आज जदयू दफ्तर में दोपहर 1 बजे मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूर्व मंत्री श्याम रजक फिर से जदयू का दामन थामेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि श्याम रजक ने हाल ही में राजद छोड़ा था, उसी समय से चर्चा थी कि वो जदयू में शामिल होंगे। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी जोंटी रोड्स रविंद्र जडेजा के हुए मुरीद। भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी जोंटी रोड्स ने आधुनिक क्रिकेट का सबसे अच्छा फील्डर बताया है। आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास लेने की घोषणा जून में खेले गए T20 विश्व कप में कर दी थी। जडेजा को लेकर जोंटी रोड्स ने कहा है कि दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी फील्डर के तौर पर मैं तारीफ करता हूं, वो हैं सुरेश रैना और जडेजा। ये दोनों भारत के सर्वश्रेष्ठ फील्डर हैं, लेकिन जब मैं आधुनिक क्रिकेट की बात करता हूं तो यकीनन जडेजा ही सबसे अच्छे फील्डर हैं, क्योंकि ये किसी भी जगह से फील्डिंग कर सकते हैं। आपके हिसाब से भारतीय टीम में सबसे अच्छा फील्डर कौन है, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1947 में भारतीय मानक समय को अपनाया गया था। आज के ही दिन वर्ष 1964 को इंडियन ऑयल रिफाइनरी और इंडियन ऑयल कंपनी में विलय करके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बनाया गया था। आज के ही दिन वर्ष 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना हुई थी। आज के दिन वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश बना था। आज के दिन वर्ष 1962 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। आज के दिन वर्ष 1997 में साहित्यकार महाश्वेता देवी और पर्यावरणविद MC मेहता को 1997 का रेमन मैक्सेस पुरस्कार दिया गया था। RBI ने लॉन्च किया नया फीचर, अब ATM में कैश डालने के लिए डेबिट कार्ड की नहीं होगी जरूरत। डिजिटल बैंकिंग सेवा को आसान बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने एक नया फीचर लॉन्च किया है। इस नए फीचर के तहत अब ATM में कैश जमा करने के लिए ग्राहकों को डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस नए फीचर का नाम UPI ICD यानी कि UPI इंटरऑपरेबल कैश डिपॉजिट है। इस फीचर का उद्देश्य कैश के जमा प्रोसेस को आसान बनाना है, ताकि ग्राहकों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इस फीचर के जरिए अब ग्राहक अपने मोबाइल नंबर या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी VPA के जरिए भी कैश जमा कर पाएंगे।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसको जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया है? ऑप्शन है 26 जनवरी 2024, ऑप्शन बी है 23 अगस्त 2024, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 2024, ऑप्शन डी है 10 नवंबर 2024। इसका सही उत्तर है 23 अगस्त 2024। किस मंत्री ने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए है नितिन गडकरी, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन, ऑप्शन सी है अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन डी है धर्मेंद्र प्रधान। इसका सही उत्तर है अश्विनी वैष्णव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में किस देश की यात्रा पर गए हैं? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी है रूस। इसका सही उत्तर है जापान। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बख्तियार खिलजी। इब्राहिम लोदी के समय उसके खिलाफ विद्रोह करने वाला बिहार का गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए है महमूद लोदी, ऑप्शन बी है दरिया खां लोदी, ऑप्शन सी है शेर खां, ऑप्शन डी है फरीद। इसका सही उत्तर है दरिया खां लोही। इसका सही उत्तर है दरिया खां लोहानी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है संजय कुमार शर्मा, राजीव कुमार, विकास दास, रोशन कुमार, आरजू रजा, आनंद यादव, बिरजू कुमार, उमेश ऋषिदेव, जीतू कुमार गिरी, अनिल यादव, रवि कुमार, अवधेश कुमार, अतीक खान, मोहम्मद साकिर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके मुताबिक बिहार सरकार की कौन सी योजना सबसे लाभदायक है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।